पता नहीं क्वालिटी कैसा है, जैसे इसको खोला मैं अभी आप लोगों के सामने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गैजेट। कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका गैजेट चैनल में। और आज के इस वीडियो में जो है साइकिल से रिलेटेड वीडियो बनने वाली है और कुछ प्रोडक्ट है जो मैं मंगाया हूं अपने साइकिल के लिए। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि अपनी साइकिल के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं सोचा साइकिल के ऊपर तो बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं मैं, तो सोचा कुछ प्रोडक्ट मंगा लेता हूं जिसको टेस्ट करके जो है अपनी साइकिल में फिट कर लेता हूं मैं। तो ये प्रोडक्ट मंगाया हूं मैं अपने साइकिल के लिए और इसको लगा के देखते हैं कैसा है प्रोडक्ट। और डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक भी दे दूंगा, अगर आपको परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या इस डब्बे के अंदर में। तो ये इसका इनवॉइस है, इसका प्राइस जो वो है 259 यानी 260 रुपए का ये प्रोडक्ट है। और देख सकते हैं ये प्रोडक्ट है, आपको दिख रहा होगा यूनिवर्सल बाइक होल्डर, ऐसा बाइक होल्डर है फॉर स्मार्टफोन्स। तो चलिए इसको देखते हैं, कुछ इस तरीके से इसके डब्बे का पीछे दिया हुआ है। और बात करें इस बॉक्स में, तो इसमें जो इसका प्रिंटेड दिया हुआ है वो है 699 यानी 700 रुपए का इसमें प्रिंटेड दिया हुआ है। तो इसे खोल के देखते हैं हम, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। ये कवर निकाल दिया मैं, और ये है मोबाइल होल्डर, पीछे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अब एग्जैक्ट भी मेरे को भी नहीं मालूम क्या 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 फंक्शन करता है, तो इसको देखते हैं किस तरीके से ये फिट होता है। अंदर में रबर भी दिया हुआ है ताकि अच्छे से ये होल्ड कर ले, और मेरे को ऐसा लग रहा है ये जो है मेरे बाइक में भी फिट हो जाएगा। और ये कुछ एडजस्टेबल वाला है, देख सकते हैं इसको जब घुमा रहा हूं मैं, अरे कुछ तो टूट के गिर गया, पता नहीं क्या टूटा, देखते हैं खोल के। तो देख सकते हैं ये बड़ा स्क्रू को जैसे घुमा रहा हूं मैं, ये बड़ा हो रहा है। अच्छा, ये लॉक खोलने का है छोटा स्क्रू, और उसके बाद आप जो है इसको साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं, अपना मोबाइल होल्ड करके देख सकते हैं। तो अभी तो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये अपने मोबाइल से बना रहा हूँ, एक और मोबाइल है मेरे पास उसको जो है होल्ड करके देखते हैं हम लोग। सो ये एक पुराना मोबाइल है मेरे पास, तो इसको होल्ड करके देखते हैं हम लोग किस तरीके से ये होल्ड हो जाता है। तो ये मैं रख दिया और इसको टाइट कर रहा हूँ पीछे से, तो ये बराबर जो है पूरी तरीके से परफेक्ट ये हो गया। और पीछे देख सकते हैं ये जो है एडजस्टेबल है, ये भी जो है टाइट या ढीला कर सकते हैं, अपने अपने को जैसा एंगल सेट करना है तो अपन यहां से जो है इस स्क्रू को टाइट करके एंगल सेट कर सकते हैं। और ये अपना मेन नट, इसको जो है खोल के हम लोग इसमें साइकिल में माउंट कर सकते हैं। सो ये प्रोडक्ट था जो कि है मोबाइल होल्डर फॉर साइकिल दिया है, बाइक दिया है, आप जिसमें इसको फिट कर सकें उसमें आप इसको लगा सकते हैं। 260 रुपए का है, आप पता नहीं क्वालिटी कैसा है। जैसे इसको खोला मैं अभी आप लोगों के सामने में देख सकते हैं ये छोटा सा टुकड़ा गिरा है, अब क्या क्या है नहीं पता। इसको लगा के देखता हूँ मैं साइकिल में माउंट करके, और कल सुबह जब मैं मॉर्निंग में इसको चलाने जाऊंगा साइकिल को, तब आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि किस तरीके से जो है ये मोबाइल होल्ड करता है, कैसा रहता है, वो सब मैं आपको जब साइकिल चलाते रहूंगा तब आपसे बात करूंगा। सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको शायद दिख रहा होगा कि जो है मैं साइकिल में आ गया हूँ और कैमरा लगा के आ गया हूँ, और साइकिल का ब्रेक का कंडीशन देख सकते हैं किस तरीके से आवाज़ आ रहा है। और होप आपको वीडियो जो है क्लियर आ रहा होगा। और ये जो है मोबाइल होल्डर मैं इसमें फ़िट कर दिया हूँ, और यहाँ देखेंगे आप ध्यान देंगे तो देख सकते हैं नीचे में ये नट है, इसको अगर आप ढीला करते हैं लूज इस तरीके से होगा, तो आप जो है इसको ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसको जो है आप अपने हिसाब से रख के टाइट कर सकते हैं जिससे कि आपको जो पोजीशन चाहिए वो मिल जाएगा। और उसके बाद इसको फिट करना आसान है, नीचे में बस एक नट दिया हुआ है, इसको जो है आपको खोल के टाइट कर देना है ये रबर को लगा के, जिससे कि ये जो है फिट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें मोबाइल किस तरीके से फिट होता है। तो देख सकते हैं ये है मेरा मोबाइल, और इसको मैं आपको फिट करके दिखाता हूँ इसमें कि किस तरीके से ये जो है फिट होता है। तो इसको जो है नॉर्मल ऐसा रख देना है आपको, और पीछे में ध्यान देंगे आपको यहाँ नट दिया हुआ है, इसमें जैसे कि ध्यान देंगे आप दो नट है, एक छोटा एक बड़ा। ये छोटा वाला क्या है आखिरी में टाइट करना है, पहले बड़ा उसे आप इसको टाइट कर लें, देख सकते हैं ये टाइट हो गया, पूरा फिक्स हो गया। इसको फिर पकड़े रखें आप, उसके बाद जो है छोटा वाला को टाइट कर दें। सो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं मोबाइल जो है वो हो गया है। सो देख सकते हैं अभी जैसा कि ये मोबाइल जो है ये खुल गया। आप इस तरीके से यूट्यूब में जो चाहे आप वो चला सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं यूट्यूब वीडियोस, या कुछ भी आपको चलाना है मोबाइल में साइकिल चला चलाते आप कर सकते हैं। और मैं जो है एक बार आपको साइकिल चलाते हुए भी दिखा देता हूँ किस तरीके से परफॉर्म करता है और कैसा दिखता है ये साइकिल चलाते हुए।
और कितना जो है मोबाइल हिलता है, किस हिसाब से इसमें फिक्स रहता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो चलिए थोड़ा साइकिल चला लेते हैं। वैसे इसका जो क्वालिटी है वो उतना ख़ास नहीं लगा मेरे को, उससे मैं इसको लगा के एक बार राइड करके आ चुका हूँ। प्लास्टिक का है लेकिन ओके है, जिस प्राइस में ये आ जाता है लगभग 250 या 260 रुपए का ये जो है आ जाता है। तो अब जैसा कि साइकिल चलाते हैं और एक आध जो है वीडियो मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ अगर आप देखना चाहेंगे तो। सो अगर आपको इसको रोटेट करना है तो इस तरीके से आप रोटेट भी कर सकते हैं, और इस तरीके से जो है आप ऑन द गो वीडियो देखते हुए साइकिल चला सकते हैं, और ईयरफोन लगा के हेडफोन लगा के गाना सुनते हुए जो आप चल सकते हैं। देख सकते हैं अगर थोड़ा बहुत साइकिल हिलेगा तो हल्का फुल्का जो है वाइब्रेट हो रहा है, क्योंकि जो मेरा मोबाइल है ये बहुत ही भारी है। अगर आप लोग के पास होगा पोको X2 तो पता है इसका जो वेट है नॉर्मल मोबाइल के कंपेरिजन बहुत ज़्यादा है। तो वही है कि इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो देख सकते हैं थोड़ा बहुत हिल हिल के आपको दिख रहा होगा मोबाइल। बाकी जो क्वालिटी है लेकिन जिस प्राइस रेंज में मिल रहा है वो ठीक है। अगर आपको वीडियो देखते हुए चलाना है तो थोड़ा बहुत जो है आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ मोबाइल थोड़ा बहुत यूज़ करके सिर्फ गाना चेंज करना है, प्ले करना है, उस चीज़ के लिए मोबाइल को अगर होल्ड करना चाहते हैं तो बहुत सही है। और अगर आपके पास कोई लाइट वेट का मोबाइल है तो उसके लिए भी जो है ये बहुत सही है। और अभी जो है मैं रोड में चल रहा हूँ और मैं साइकिल चलाते हुए हेलमेट पहनूँ, तो बहुत लोग जो है मेरे को ध्यान दे रहे हैं कि यार क्या कर रहा हूँ मैं। तो ये सब बस वीडियो बनाने के लिए कर रहा हूँ मैं इतना सब। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंस्टाग्राम हैंडल सोरोग, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और ये रहा मेरा चैनल, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय। When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight.